खिचड़ी हरिया राका ले आई है सबर पे पहरी के नजर छमछा। देखिए प्रेम कई तरीके का होता है। एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं। लड़का भोले बाबा का बहुत बड़ा दीवाना होता है, भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त होता है, और वो सावन के समय जाता है देवघर जल चढ़ाने और अपनी प्रेमिका को कॉल करता है कि देखो हम देवघर जा रहे हैं, कुछ दिन बात बात नहीं हो पाएगी, तुमको कुछ चाहिए तो बताओ, कुछ अगर लाना हो तो तुम बताओ। तो अगर दुर्गा बोस से पूछा जाए इनके प्रेमी गए हो देवघर, दुर्गा बोस से अगर पूछे कि दुर्गा तुमको क्या चाहिए, मैं जा रहा हूँ देवघर दर्शन करने, देवघर का क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे, क्या प्रेमी नहीं है प्रेमी चाहिए, सब मेरी तरह रिजेक्टेड हो क्या यार, मैं क्या करूँ, लेकिन अच्छा है नहीं है, टेंशन कम है खत्म है, लेकिन फिर भी मान लो मैं गई देवघर तुम्हारे लिए, तुम हमसे क्या मांगो कि दीदी मेरे लिए क्या लाई, चॉकलेट। मतलब दुनिया में आदमी देवघर जाता तो मेहरारू पूछे कि क्या चाहिए, मर्द पूछे तो क्या चाहिए, तो मेहरारू कहे कि चॉकलेट, अब बताओ आपको क्या चाहिए, चूड़ी आपको, फॉर्चूनर, बताओ बताओ क्या चाहिए, राम जैसा पति चाहिए, तुम्हारा राम जैसा पति तो देवघर ही गया है, वही वापस चाहिए आपको, सेम राम जैसा पति। हाँ तो जो राम मांगता है उसको रावण ही मिलता है भाई साहब, कुछ कह लीजिए सही भस्मा सुन, तुमको क्या चाहिए, हाँ हमको बुलेट, बताओ चूड़ी तो कुछ पहन के आई, और कुछ बताओ, और कुछ चाहिए, पेड़ा बताओ, और जल्दी बताओ जल्दी बताओ, और क्या चाहिए, जल्दी जल्दी समय बहुत कम है, और नाम कमाना है, तो तुम्हारा पति वहां तुम्हारा एग्रीमेंट लेके गया है, मतलब मैंने कहा अगर तुम्हारा प्रेमी जो है वो देवघर जा रहा है तो तुम क्या मांगोगी उससे, तो कह रही है मैं मांगूंगी कि मैं और आगे बढ़ूं, बताओ वो तुम्हारा रेज्यूम लेके गया है भोलेनाथ के पास, गजब गजब धरती पे महिलाएं हैं यार, अब मुझे पता चला कि ये महिलाएं सिंगल क्यों हैं, अब मुझे पता चला, लेकिन ठीक है सब ऐसे हंसते रहो, लेकिन अब मुझे पता चला, हम क्या करोगे मेरे बारे में सब जान ही रही हो, ये कैला के नहीं तो रकंबा जिंदगी भइल बम्बा, तेरा सोचल रे पगला कहानी मोर खतबा, क्या बात है, मेरी जिंदगी हमेशा बम्बा में रहती, लेकिन तुम्हारा प्रेम हो गया और तुमको फोन कर रहा है और कह रहा है कि संडे के सुना बुक भी अगर मम्मी संग देखा के दीदी हो जाते बारी बारी मसहूर होला ओ ही जाके संखा बोला अरे अरे बोला चाहिए हसना। देखो भाई भैया मेरे भी हाथ में अभी तक चूड़ी नहीं है, मेरे को किसी ने चूड़ी दी ही नहीं है ना, नहीं अपनी नहीं पहनानी चाहिए, अभी ला के दोगे बस क्या चारो कुंवारे मर जाए, ये लड़की सब गलते समझेगा, लड़की लड़की प्रेमी है, देखिए सब प्रेमिका बैठ गए, मुझे भी सही में हरी चूड़ी नहीं मिली, अब मैं सोच रही ना कौन मेरे लिए हरी चूड़ी लेके आएगा, ये सब कैमरा वाले सब इतना कमाते हैं कुछ चूड़ियों सब नहीं ला के देते हैं, जब अभी गारी गीत गाएंगे खाली कैमरा वालों के लिए स्पेशल, लेकिन सब बड़े अच्छे हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं, सब सारे वीडियोज को कैच करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें डालते हैं, मैं सबको गलत नहीं बोलती, एक ही दो को खाली खाली तुम सबको नहीं बोलती भाई, तुमसे मेरी दुश्मनी थोड़ी है, तुम तो मेरे भाई को खाने पे उसका ध्यान देना, हम यहाँ व्रत वगैरह बैठे, मतलब मुकेश भैया बताइए क्या क्या हो गया है कि दोस्तों को क्या हो गया, जाने दीजिए क्या भोलेनाथ से आपकी शिकायत करें, आप बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज मुझे भी चूड़ी चाहिए थी यार, तो कैमरा वाले की चूड़ी लाके दे देना यार मेरे को, ठीक है दो छह लगती है मुझे, ठीक है लाके दे के जाना सब याद से, कहीं मिलना मुझे दे देना, ठीक है कि और बोला चाहिए कसना चूड़ी दिया राना ले आई है रे सावन।
मम्मी पापा संभावे मेरा ही फ्रेंड को वीडियो कॉल किए होंगे और कह रहे होंगे कि देखा ना अनुपमा यादव के जो कार्यक्रम होता है पूर्णिया शिविर में। कुछ ऐसे भी होंगे देखो जितने हेडफोन लगाए सब पक्का किसी को वीडियो कॉल पर लिए होंगे सर। हेडफोन सिस्टम हो गया है ना, कहीं रहिए मिन्न मिन्न बतियाते रहे, हमारा अभी जितवा खुद बतियाते रहता है दिन भर बतियाते रहता है, कोई काम नहीं उसका। वीडियो कॉल का रब तू